All right, people, welcome back to my channel. So, मैं इतनी रात को इसलिए डाल रहा हूँ, एमयू वंटे अभी भी लाइव है. He is jamming on his song with his audience. मैं भी वही कर रहा हूँ, बट एक खबर देनी है कि यार मैं खुश होके बताऊँ या दुखी होके बताऊँ, क्योंकि डिवाइन और एमयू का बीफ एंड हो चुका है. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत अच्छी चीज है कि दोनों का बीफ एंड हो चुका है. नाउ ये लाइव वीडियो में क्या बात हुई, ये सेशन में डिवाइन आया, क्या प्रॉब्लम थी, मैं आपको ओवरऑल ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर आप वीडियो देख लेना लाइव वाला. प्रॉब्लम हुई थी कि डिवाइन को लगा कि एमयू ने जो मेरी क्रिसमस गाना हार्ड गाने में जो मेरी क्रिसमस रात हो रही है ना, थोड़ा दिमाग मेरा भी हार्ड गाने में जो मेरी क्रिसमस बार बार बोला है, उसकी वजह से डिवाइन को लगा कि उसने उसके रिलीजन को डिस कर दिया, जिसकी वजह से कल उसका दिमाग सटका हुआ था, दो डिस्ट्रैक्ट भी निकाल दिए थे उसने. ऑल्सो कल लाइव पे कमेंट भी कर रहा था बहुत सारे, तो उसकी क्लियरेंस करने के लिए एमयूवे ने कॉल किया था कल रात को आफ्टर लाइव डिवाइन को, क्योंकि उसने ऑब्वियसली कमेंट्स पढ़े रहेंगे, शक्ल से ही पता चल गया था. तो उनका पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है. नाउ अब उनका जो सॉर्ट हुआ उसमें क्या क्या बातें वो आप लाइव वीडियो में देख लीजिए. बहुत हार्ड हो, बहुत प्यार देते हो, और स्पेशली मैं लाइव आया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट बात करना था आप लोगों से. सब लोग ज्वाइन हो गए, यस इट्स अराउंड 20,000 पीपल, ओके सो वी आर रेडी टू गो. कभी भी कोई भी चीज लाइक फेक शिट के लिए नहीं किया है, ना कभी प्लानिंग से किया है, ना कभी कुछ चीज़ ज़बरदस्ती किया है. तो अभी मैं कुछ चीज़ बोलूँगा जिसको पब्लिक अभी सोचेगी कि हाँ शायद से मे बी ये प्लानिंग था वट एवर, बट लेकिन येस आई वॉन्ट टू क्लियर कि कभी भी म्यूजिक जब भी हम करते हैं हम आर्टिस्ट से वीडियो दिल से आता है, कभी भी कोई भी चीज़ प्लानिंग से नहीं हो जाता है. सो येस सब लोग अभी दिल से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने भी लोग हैं वहाँ पे ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ. रात को मेरा और डिवाइन का बात हुआ ऑन फोन कॉल, यस बहुत टाइम बाद हम दोनों का बात हुआ, एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुआ. लाइक डिवाइन मिसअंडरस्टैंड किया मेरी बात को, दैट मेरा जो मेरी क्रिसमस जो लाइन था गुलफकर के जाओ मेरा जिंगल बेल मेरी क्रिसमस, ही थॉट दैट इट्स फॉर हिम, जबकि वो लाइन स्पेशली नहीं था, बिकॉज वो मेरी क्रिसमस जो वर्ड है इट्स अ रिलीजन वर्ड, उनको सबको ऐसा लग रहा है, बट जबकि वो फन था, इट वॉज जस्ट अ फन. एंड जिंगल बेल मतलब सबको पता है लाइक बेल घंटा बजा के जाओ, तो साथ में मेरी क्रिसमस राइम्ड, सो आई जस्ट डिड इट, लाइक इट वॉज नॉट इंटेंशन, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. मैं खुद मुस्लिम हूँ एंड मेरे मॉम की फैमिली में हिंदू है, मॉम बिलोंग्स टू हिंदू फैमिली एंड शी इज़ विद दैट, माई डैड इज़ मुस्लिम एंड मॉम की जो सिस्टर है वो खुद क्रिश्चियन है. सो यस मेरे फैमिली में हर रिलीजन के लोग हैं, सो आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, मेरे लिए सब रिलीजन सब एक समान है. ही थॉट कि मेरा वो लाइन उसके लिए था एंड ही गॉट एंग्री फॉर दैट एंड ही डिस्ड मी. सो यस एवरीथिंग गॉट क्लियर एंड आई ड्रॉप द डिस एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग गॉट सॉर्ट. सो वी हैव विविन डिवाइन हियर, आई एम गोइंग टू जॉइन हिम, व्हाट्सअप विविन डिवाइन को अपन अभी ज्वाइन करते हैं, सो दैट जो भी आप लोग को लग रहा है कि हम लोग दोनों के बीच में हेट है या फिर जो भी है, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड यस वी बोथ रिप्रेजेंट बॉम्बे एंड देयर शुड बी ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिप हॉप, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी चीज़ हेट की तरफ ज़्यादा चले जाए. मैं भी बोल रहा हूँ मेरी बंटाई की पब्लिक को थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बट यस आप लोग भी गुस्सा को अपने शांत कर दीजिए एंड सबको भूल जाइए, इट्स ओके. कनेक्ट विविन डिवाइन राइट नाउ, आई थिंक डिवाइन यू हैव टू कमेंट हियर ब्रो, यू जस्ट कमेंट डाउन हियर सो दैट आई कैन जस्ट टेक यू. I can just add you. Shout to Divine. Where are you, bro? क्या बोलते हैं? What's up? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, bro? क्या बोलते हैं? Mast. एक नंबर. So yes, एक नंबर, bro. Nice to see you after long time. Yeah. कल वही पब्लिक को बताना चाहते हैं हम लोग कि कल जब तुम लाइव गए उसके बाद मैंने कमेंट किया तुम्हारे लाइव पे. और एक दो साल से गैप भी हो गया था तुम्हारे और मेरे बीच में, जो बातचीत नहीं हो रही थी. आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क ब्रो, किसको आवाज नहीं आ रही अभी. अप्रोच किया, मेरे को फोन किया और मेरे को बोला कि वो ऐसे सेंस में नहीं बात कर रहा था और वो राइम करना चाहता था और राइमिंग के चक्कर में उसने ऐसे बोला, लेकिन मैंने कोई और चक्कर में ले लिया उस बात को.
और मैंने अग्री किया कि क्योंकि उन्होंने अप्रोच करके मेरे को बताया कि क्या सेंस में वो बोल रहे थे, क्योंकि वो गाने में काफी बार वो मेरी क्रिसमस वर्ड यूज किया गया था, और मैं ही एक कैथलिक लड़का था जिसमें वहाँ पे टारगेट बना था, वहाँ पे दो तीन जन को जो भी तुम किसको बोल रहे थे उसमें से मैं एक था, और इसलिए तुमने मेरे से क्लियर किया। और ऊपर से जो लास्ट तीन चार दिन में मैंने कभी किसी को डिस नहीं किया, ये पहली बार मैंने डिस गाना डाला, क्योंकि मैं मेरी खड़ गई थी, मैं फुल एकदम अलग मूड में चले गया, और मैंने इसलिए दो दो गाने डाले, और दो गाने डालने के बाद तुमने एक गाना डाला। Yes. और लेकिन मैंने सेकंड गाने में लास्ट में मैंने बोला था कि मेरी क्रिसमस मत बोलना पड़ता है, लेकिन तुमने वो बात बराबर से मेरे को लगता है तुमको पकड़ा। मैंने पूरा ट्रैक एक्चुअली या मैंने पूरा सुना ही नहीं था प्रॉपर्ली ट्रैक, राइट? एंड देन लेटर ऑन आई जस्ट बोला भी था जब कल कमेंट आया था ना ब्रो, व्हेन यू कमेंटेड यस्टरडे, सो आई वाज लाइक मेरे को स्क्रीनशॉट आया फैंस का, दे वर लाइक ब्रो रिलीजियस डिस की बात हो रही है, सो आई वाज लाइक शिट मैन सीरियसली आई वोट, मैं कभी भी कोई भी रिलीजन के ऊपर जाके मैं कभी भी डिस नहीं करूंगा, दैट्स नॉट माय गेम यू नो ब्रो, ऐसा कभी भी नहीं है, दैट्स ऑलवेज आई हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्टिंग ऑल द आर्टिस्ट, एंड मैंने हमेशा लाइव में बोला है, स्टेज पे बोला है, एंड इवन यू नो मैन इतना आगे आ चुका है, अपन लोग इतना आगे चीजों को खींच के लेके आ गए, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ दिस 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 होएगा, तो आई डोंट थिंक सो, इट्स गुड फॉर, सही नहीं क्या है ना, दूसरे लोग मजे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें हेट भी ज्यादा पैदा हो गया है, एकदम ज्यादा मेरे को ईमेल्स आ रहे थे, और तुमको भी आए, तुम्हारी मम्मी डैडी भी परेशान थे, तुम बता रहे थे, मेरे को बता रहे थे कि और एक रिप्लाई डालना चाहिए, हेट डालना चाहिए, लेकिन तुमने फोन किए वो सही किया, और क्योंकि हेट भी तुमने रिबटल किया, मैं बोला मैं भी रिबटल करता हूँ। Seriously, bro. नहीं लेकिन क्या है ना इस टाइम पे मेरे हिसाब से बॉम्बे और महाराष्ट्र सबसे इफेक्टेड है इस कोरोना वायरस से, और ये टाइम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, जबकि सबको पीस रखना है, सब अपने घर पे खुश रहे, एंड मजे ले लिया अभी तीन गाने के मजे ले लिया, या पीपल एट वन दो अंदर लेना पड़ेगा, सेफ रहो, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, एवरीबॉडी स्टे सेफ होम, या बस मैं यही बोलने आया था, और तुम मचाओ, अपन भी मचाओ, इंशाल्लाह, अल्लाह Take it, bro. Peace out. Love. सब लोग जितने भी लोग गुस्से को खत्म करो, सारा गुस्सा आपके जो भी दुश्मन है या फिर जो भी अपनी जिंदगी में सब चीज से खत्म करो, एंड इवन आई हैव नो हेट फॉर डिवाइन, में जो हमेशा बोलता आया हूं, देयर हैज बीन ऑलवेज लव, डिवाइन ड्रॉप द ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक, देन तभी भी मैंने इग्नोर किया बिकॉज आई वॉज लाइक चल दैट, बट व्हेन द सेकंड ट्रैक वॉज आउट उसके बाद आई गॉट लाइक टेम्पर्ड, लाइक इवन उसके बाद वो हुआ, बट यस आई थिंक इट्स ऑल लव एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल लव, इवन ही रिप्रेजेंट बॉम्बे एंड आई रिप्रेजेंट बॉम्बे, सब अपने जगह पे हार्ड, एवरीवन आर डूइंग गुड मैन, सो यस एंड ऑफ द डे इट्स ऑल लव, मेरी पब्लिक बंडाई की पब्लिक आप सबसे यही बोलूंगा अब से, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, इतना मोहब्बत देने के लिए, बट यस लेट्स स्प्रेड लव, डिवाइन और मेरा अभी से कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल लव, सो लेट्स स्प्रेड लव, लेट्स स्प्रेड म्यूजिक, अच्छे गाने निकालते एंड अच्छा चीज करते रहेंगे, एंड सब लोग अपना साथ मिलके रहेंगे, एंड जितने भी लोग वहाँ पे चार्ज थे कि ये डिस कंटिन्यू होगा, नाउ सो द डिस सीन बीफ सीन इज एंडेड हियर नाउ, एवरीथिंग इज कूल एंड चिल, गेट रेडी फॉर माय ईपी, ईपी में बहुत सारे मजेदार गाने आने वाले हैं, एंड आगे ये नहीं सोच रहा कि उसमें से कुछ भी लाइन इट गोज देन पीपल विल बी लाइक कनेक्टिंग, मेरा और डिवाइन का तो बिल्कुल बीफ खत्म हो गया, इट्स लाइक ऑल गुड बिटवीन मी एंड हिम, सो यस आप लोग भी दुश्मनी भूल जाओ, सब मोहब्बत लाओ, जो भी बातें हो गई पुराने गाने में, जो भी हुए सबके सारे बातों पर मिट्टी पा दो, and yes let's move ahead in life, and acha yaar main kabhi bhi this culture ko main kabhi bhi hate nahi karunga, because this culture bahut zaruri hai, aapke words ko samne leke aake rakhta hai, aapki baaton ko bayan karta hai music ke zariye, to this tabhi karo jab kuch wajah ho ya kuch baat ho, so bina matlab never go for it people, dekh rahe ho aap log this ke waise kafi sari cheez shatter ho jati hai, so yes I always would prefer you all ki वजह के साथ आओ, एंड सिर्फ डिस पे नहीं है, देयर आर लॉट मोर मेनी थिंग, इंस्पायर करो, रैप म्यूजिक लिख के, गाना लिख के लोगों को इंस्पायर करो, अपनी बातें लिखो, आसपास क्या हो रहा है, कहाँ पे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे कर रहे हो चीजें, कैसे करना चाहिए, कोई आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, बाकी गैंगस्टर शिट एंड ऑल करके किसी का भी कुछ नहीं हुआ, बाहर गांव के पॉप में भी मैंने देखा है, एंड यू ऑल बीन सीइंग ऑल दैट, लोग ने प्लान करके किया है, अब उतार भी दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज इंटरनेट पे रहेगा, जो चीज गुस्से में हुआ है वो वहीं पे रहेगा, एंड वो वहीं पे
रहना सही है, बट अब आगे आ चुके हैं हम लोग सब लोग वो सब चीज से, तो उससे ज्यादा गाना एक रहेगा ताकि सब लोग जो भी वहाँ पे सुनना चाहे ट्रैक्स वहाँ पे रहेगा, बट यस वे मूव्ड अहेड सो यस। और पीपल तो अब तुम लोग का पूरा पूरा सीन क्लियर हो गया होगा, लोग तो मेरे को रात रात मैसेज करके बोल रहे थे कि भाई पूरा लाइव वीडियो डाल दो, अभी भी एमवीए का लाइव चल ही रहा है, फैंस को ले रहा है। भाई अगर आप मेरा वीडियो देखोगे कल सुबह उठ के तो भाई मेरे को भी कभी ऐड कर लिया करो। सो आप लोग का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? दो उसने बोल दिया है कि ये भी प्लान नहीं था एंड ऑल, जो हाँ ठीक है एकदम सही बोला है, पर आप लोग का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट करके बताना। ऑल्सो आप लोग क्या, आपकी खुशी है या फिर दुख है कि बीफ नहीं चला चला, क्या है आपका सीन कमेंट करके जरूर बताना। और आगे इसकी ईपी आने वाली है तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट एंड रमजान मुबारक सबको। तो विद दैट सेड आई एम रैपिंग अप विद दिस वीडियो, इन केस यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्यादा लाइक होगा जब आवश्यकता, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।